बिल्कुल आएंगे तो स्वागत उनका करेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है निर्णय लेने का, और मैं देख रहा हूँ समाचारें जो आ रही है उसका लग रहा है जल्द ही एनडीए आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा एनडीए में आएंगे तब। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर एक खबर सामने निकल कर आई कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने इस पर अपना बयान भी दिया और कहा कि अभी मैं महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में मजबूती से हूँ। लेकिन अब बीजेपी नेता ने मुकेश सहनी का स्वागत किया है और कहा है कि अब मुकेश सहनी अगर एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार बीजेपी कोटे से मंत्री, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है खबरों को देखकर कि अब मुकेश सहनी एनडीए में आ ही जाएंगे और जब आएंगे तो हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार ने कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी भी गठबंधन किसी भी पार्टी में जा सकता है और ऐसे में अगर मुकेश सहनी आ रहे हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले राजनीतिक गलियारे में ये खबर दौड़ रही है कि मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे और अब तो बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने स्वागत भी किया है। आप सुनिए बयान की बात करें, मुकेश सहनी भी अपना डीपी बदल लिया है, क्या मुकेश सहनी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, स्वागत उनका करेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है निर्णय लेने का, और मैं देख रहा हूँ समाचारें जो आ रही है उसका लग रहा है जल्द ही एनडीए में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा एनडीए में आएंगे तब मिलकर हम लोग काम करेंगे। अगर शिक्षक अभ्यर्थी पिछले दिनों सड़क पर उतरे थे और उन लोगों पर लाठी चली है, इसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और कह रहे हैं कि कैसी सरकार है, हम लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलती है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जब हम लोग थे तो नौकरी दे रहे थे और हम लोग हटे तो लाठी देने लगे लोग। नौकरी आज मिल रही, आगे मिलेगी, जितने रिक्त पद हैं बिहार में जा करके, किन हालात में लाठी चली है इसकी जांच का विषय जा करके है, और निश्चित तौर पर आम लोग को अधिकार की बातों को रखने का, उसके लिए तय जगह तय गर्दनी बाग धरना स्थल, वहाँ पर आए दिन विभिन्न संगठन के लोग भी मांगों को लेकर के अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, उनका डेलीगेशन मिलता है, उनके स्मारक पत्र लिए जाते हैं। सरकार विचार करती है कि कोई व्यक्ति यदि कानून को हाथ में लेकर के कुछ वहाँ से हटकर करते हैं जाकर के, तो उस परिस्थिति में पुलिस की मजबूरी हो जाती जा करके है, तो जांच का विषय है कि लाठी किन परिस्थितियों में चली है जाकर के, और जो आइडेंटिफाई जगह है जहाँ पर मतलब धरना स्थल है प्रदर्शन का स्थल है, यदि वहाँ पर घटी है घटना तो मैं मानता हूँ पुलिस का दोष है जाकर, लेकिन यदि वहाँ से हटकर किसी ने किया हो जाकर के, जाँच का विषय है, जाँच में देखा जाएगा किसका दोष जाकर। अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रही है, इस पर भी सुनी जाएगी? निश्चित तौर पर जो सुनने लायक बात होगा सरकार विचार करे। आपने देखा कि साफ तौर पर प्रेम कुमार ने कहा कि मैं मुकेश सहनी का स्वागत करूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है जिस पार्टी में जिस गठबंधन में उसे सहूलियत हो, और अगर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना।